गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास सिक्स। चलिए बच्चों, प्रकरण का जो हमारा नाम था, मैंने आपको समझाया था वर्ण। प्रकरण का जो हमारा नाम था वो था हमारा वर्ण। प्रकरण का क्या नाम था बच्चों? वर्णमाला। यही था प्रीवियस वीडियो में। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा आपको समझाई थी, उसके भेदों के बारे में बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने आपको ओरली समझाया था कि स्वर के भी तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से जो स्वर होते हैं वो वर्णमाला में कितने होते हैं? वो 13 होते हैं। संस्कृत के अंदर स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं, और वो मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से होते हैं। आ ई ऐ ऊ औ री ए ऐ ओ औ। समझ में आया बच्चों? इसके बाद में मैंने आपको अयोगवाह भी बताए थे कि अयोगवाह, इसमें जो लास्ट के जो दो रह जाते हैं, एक अंग और एक अह रह जाता है, वो अयोगवाह कहलाते हैं, और जो अंग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो अह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, कि व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद में मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताया था, और व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, ये मैं सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। चलिए तो उसके आगे चलते हैं। उसके आगे क्या था बच्चों? उसके आगे जो हमारा टॉपिक था वो था वर्ण विच्छेद। वो क्या था? वर्ण विच्छेद। बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो हमारे स्वर होते हैं वो व्यंजनों में जुड़े हुए होते हैं। वो क्या होते हैं? व्यंजनों में जुड़े हुए होते हैं। इट मीन्स जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलके बनते हैं। वो किससे मिलके बनते हैं? स्वरों से मिलके बनते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि सभी स्वरों में यदि अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ होता है, यानी जो अ का साउंड होता है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कोई भी व्यंजन बोलोगे तो आपको उसके अंत में अ का स्वर सुनाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको क्या बताया था? देखिए बच्चों, जो स्वर होते हैं स्वरों से ही मात्राओं का निर्माण होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्वरों से ही मात्रा का निर्माण होता है। जैसे आ की जो मात्रा होती है, आ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, तो ई की मात्रा कौन सी होगी? छोटी ई। बड़ी ई की मात्रा? बड़ी ई। ठीक है बच्चों, तो ये सारी हमारी क्या थी? मात्राएं थी। और इन मात्राओं से ही अब हम क्या करेंगे आगे? अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि जब हम किसी शब्द को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, यानी टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी एक एक वर्ण को हम उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा शब्द है बच्चों वो है देव। वो क्या है? देव। अब आप इसे पहले गौर से देखिए, सबसे पहला जो वर्ण हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो हमें दिख रहा है द। वो हमें क्या दिख रहा है? द। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? द। अब देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस द के साथ में एक कौन से स्वर लगा हुआ है? ये कौन सी मात्रा है? ये ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ये छोटे ए की मात्रा। ठीक है बच्चों, यानी ये स्वर है। मैंने आपको बताया था व्यंजन के साथ स्वर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर व्यंजन में से हम स्वर को निकाल देते हैं तो जो हमारा जो व्यंजन है वो क्या हो जाता है बच्चों? आधा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और इसे जो इसको आधा दिखाने के लिए, यानी इस व्यंजन को आधा शो करने के लिए, इसके नीचे एक हल्का सा तिरछा सा एक डंडा लगा हुआ होता है जिसे हम हल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अब हमारा जो व्यंजन है वो आधा हो चुका है और इसमें से हम स्वर को निकाल रहे हैं। तो यानी मैंने इसमें से स्वर हमारा था छोटा ए। कौन सा है बच्चों इसमें? छोटा ए। तो हमने छोटा ए को अलग निकाल दिया तो ये हो गया हमारा पूरा स्वर, यानी हमने व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया। और जैसे ही हमने व्यंजन में से स्वर को निकाला तो ये व्यंजन हमारा क्या हो गया बच्चों? ये व्यंजन हमारा
आधा हो गया, ये क्या हो गया, आधा हो गया। चलिए ये हमारा पूरा एक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में दूसरा वर्ण कौन सा है बच्चों, दूसरा वर्ण है हमारा व। दूसरा कौन सा वर्ण है, व। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, व। अब आप बोलेंगे इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं लग रही है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था यदि किसी वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है फिर भी उसमें स्वर जुड़ा हुआ होता है और वो कौन सा स्वर होगा, वो होगा अ। वो कौन सा स्वर होगा बच्चों, वो होगा अ। यानी इस व्यंजन में क्या जुड़ा हुआ है, इस व्यंजन में जुड़ा हुआ है अ। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, अ जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से अ को निकाल देते हैं। तो चलिए, तो मैंने इसमें से अ को निकाल दिया, निकाल दिया। अब आपको मैंने अभी समझाया था कि जब मैं व्यंजन में से स्वर को निकाल दूंगी तो ये आधा हो जाएगा, और इसको आधा दिखाने के लिए हम इस हल चिन्ह को यहाँ पर लगा देंगे। समझ में आया बच्चों आपको। चलिए तो यहाँ देखिए, द, द में छोटे की मात्रा लग रही थी तो द में से मैंने स्वर को निकाला ए, और यहाँ पे व्यंजन हमारा रह गया आधा द। उसके बाद में मैंने व लिखा, व में एक मात्रा नहीं थी लेकिन फिर भी अ स्वर जुड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें से अ को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही मैंने अ को बाहर निकाला तो ये व हमारा क्या हो गया, ये व हमारा आधा हो गया, और मैंने इसके अंदर हल चिन्ह लगा दिया। ये समझ में आया बच्चों आपको। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ण है वो है ग। वो कौन सा वर्ण है बच्चों, ग। अब देखिए बच्चों, ग में मात्रा कौन सी लग रही है, कौन सी मात्रा होती है, ये बड़े ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है, बड़े ई की, यानी स्वर है। तो मैंने इसमें से बड़े ई को बाहर निकाल दिया। अब जैसे मैंने इसको बड़े ई को बाहर निकाला तो जो हमारा व्यंजन था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये हल चिन्ह मैंने इसके नीचे लगा दिया। आगे देखिए, नेक्स्ट कौन सा वर्ण है, त वर्ण। तो कौन सा वर्ण है, त। त में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे, इसमें से हम आ को बाहर निकाल देंगे, और जब हम आ को बाहर निकाल देंगे तो त हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और हल चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ण है हमारा प, और प में से मैंने, प में कोई मात्रा नहीं है लेकिन उसके अंदर अ जुड़ा हुआ है, यानी स्वर जुड़ा हुआ है, और स्वर को हमें क्या निकालना है, हमें बाहर निकालना है। तो मैंने अ को बाहर निकाल दिया तो प हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। नेक्स्ट देखिए त। तो नेक्स्ट वर्ण कौन सा है हमारा, त। अब त के अंदर मात्रा कौन सी लगी हुई है, देखो त में मात्रा लगी हुई है छोटे ई की मात्रा। कौन सी लगी हुई है बच्चों, छोटे ई की मात्रा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, छोटा ई। और जैसे ही मैंने स्वर को बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, ये आधा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं। नेक्स्ट शब्द में पहला जो वर्ण है वो है न, और न में से हम किसको बाहर निकालेंगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइए किसको बाहर निकालेंगे। यस, किसको निकालेंगे, अ को निकालेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने अ को बाहर निकाला तो न हमारा आधा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो वन कौन सा है हमारा, द। तो यहाँ पे मैंने द लिखा, और द में से कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े ई की मात्रा लगी हुई है। तो मैंने बड़े ई की मात्रा को यहाँ पे निकाला तो ये बड़ा ई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जैसे ही मैंने स्वर निकाला तो व्यंजन हमारा आधा हो गया। तो ये क्या बन गया, नदी। उसके बाद देखिए साधु, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ण है वो है हमारा स। वो कौन सा वर्ण है, स। और स में कौन सी मात्रा लगी है बच्चों, आ की मात्रा लगी है। स्वर को बाहर निकालते ही स हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसके आगे लिखा हुआ है ध, तो ध भी व्यंजन है, और ध में कौन सी मात्रा लग रही है बताइए, ये कौन सी मात्रा है, छोटी उ की के बड़े उ की, छोटे उ की। कौन सी मात्रा है ये, छोटे उ की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया छोटा उ, और जैसे ही छोटा उ हमने बाहर निकाला तो ध हमारा क्या हो गया, आधा। तो समझ में आ गया, तो ये क्या बन गया, साधु। आप देखिए बच्चों आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है मात्र, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ण है वो है हमारा म। वो कौन सा वर्ण है बच्चों, म। देखिए म में कौन सी मात्रा लग रही है,
आ की मात्रा लग रही है तो आ को मैंने बाहर निकाल दिया तो मैं हमारा हो गया आधा। उसके बाद में कौन सा वर्ण है नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ण है हमारा त। अब त में नीचे देखो ये कौन सी मात्रा है बच्चों, नीचे जो ये ऐसे इस तरीके से मात्रा लगती है ये है हमारी री की मात्रा। कौन सी मात्रा? री की मात्रा, यानी हम इसमें से क्या निकालेंगे बाहर, री की मात्रा को बाहर निकाल देंगे। तो ये त हमारा क्या हो गया आधा। बच्चों याद रखना आप जब ये व्यंजन आधा हो जाए तो आपको ये हल चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर अगर आपने ये हल चिन्ह नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आधा नहीं है और ये पूरा कहलाएगा। समझ में आया? और अगर आपने नहीं लगाया तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको ये हल चिन्ह साथ में लगाना ही लगाना है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे है आपका भवत। आगे क्या है बच्चों? भवत। अब देखो बेटा भ पहला वर्ण क्या है, भ। भ में से किसको बाहर निकालेंगे? यस अ को निकालेंगे, तो ये अ निकल गया और भय हमारा आधा हो गया। इसी तरह से व लिखा मैंने और व में से भी क्या हो गया, अ बाहर आ गया तो वह हमारा आधा हो गया। ठीक है आगे चलेंगे। इसी तरह से त लिखा हुआ है बच्चों, त में से भी क्या निकले देखो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर त के नीचे ऑलरेडी एक हल चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले से ही आधा है, यानी इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें पहले से ही आधा है तो हम इसको आधा ही लिखेंगे, हम आगे अ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अ जुड़ा हुआ ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो ये बन गया हमारा भवत भवत सॉरी। ठीक है अब देखिए ये वर्ण विच्छेद मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार इसी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ पर वर्ण संयोजन पे। यहाँ पे किस पे आते हैं बच्चों? वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का क्या मतलब होता है बच्चों? अभी आपने हमने अभी पढ़ा वर्णों को तोड़ना, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? वर्णों को तोड़ना। तो हम अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमारे पास में वर्ण ऑलरेडी मतलब अलग अलग हो रखे हैं, वर्ण क्या हुए हैं ऑलरेडी अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको जोड़ना है। अब हमें क्या करना है बच्चों? इनको जोड़ना है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो बच्चों अब ये देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ण है वो क्या है, व है। अब देखो व के आगे क्या है, अ है। क्या है? अ है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अ हमारा व में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो इसके नीचे का जो हल चिन्ह लगा हुआ है ये हल चिन्ह हट जाएगा। ये हल चिन्ह क्या होगा बच्चों? हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसके अंदर स्वर जुड़ जाएगा। तो व में मैंने अ को जोड़ा तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा व कंप्लीट हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आप देखिए नेक्स्ट वर्ण हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ण हमारा है र। अब देखो र में क्या लिखा हुआ है, ण। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जो हमारा र है वो भी आधा है, यहाँ पे अ नहीं है, र के आगे अ आपको नहीं दिख रहा है ना बच्चों। यानी हमें क्या करना है, हमें र को आधा ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। पूरा हम कब बनाते, जब र के आगे अ जुड़ा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे र के आगे अ नहीं है, ये आधा है। तो र को भी हम क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। इसके बाद में क्या है, ण है, तो हम क्या लिखेंगे, ण। अब इससे पहले मैंने आपको र बताया था, तो र कहाँ जाएगा बेटा, ण के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले व के बाद हम र ही बोलेंगे। ठीक है और फिर उसके बाद ण है, और ण में भी देखो आगे अ लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, यानी ण में क्या जुड़ जाएगा, अ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वर्ण। क्या बन जाएगा बच्चों? वर्ण बन जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्वतंत्र रूप से अ लिखा हुआ है, आपको मैंने समझाया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, इनके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ता है। यानी अगर ये अ के आगे कुछ लिखा होता तो ये उसके अंदर जुड़ जाता, लेकिन ये अभी स्वतंत्र रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर भी स्वतंत्र रूप में लिख देंगे। समझ में आया बच्चों? अभी देखिए बच्चों यहाँ पे आधा क है, आधा श है और एक अ है। तो मैंने आपको
संयुक्त व्यंजन जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं यानी जो संयुक्ताक्षर होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, एक तो श, एक छ, एक त्र और एक ग और एक श, ये वाला, ठीक है। ये जो संयुक्ताक्षर होते हैं तो इसमें से जो ये वाला श है ये कैसे बनेगा, क प्लस श और प्लस अ से, ठीक है। यानी इस तीन में ये तीन ऐड होंगे जब ये श बनेगा, जिसमें क्या होगा, आधा क्या होगा, आधा श होगा और अ होगा, तब ये क्या बनेगा हमारा श, क्षत्रिय वाला श। तो यानी यहाँ पे देखो आधा क्या है, आधा श है और अ है, तो यानी इन तीनों से मिलकर क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। इन तीनों से मिलकर क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब एक दिखे इसके आगे र लिखा हुआ है, रह के रह हमारा आधा है, नीचे हल लगा हुआ है, लेकिन रह के आगे क्या है, अ है, यानी हमें रह को पूरा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा रह लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा अक्षर। ये क्या हो गया बच्चों, अक्षर। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये थर्ड वाला, अब यहाँ पे क लिखा हुआ है और री लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यानी आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे री पूरा लिखा हुआ है और क आधा है, क तो आपका आधा है और री पूरा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो क है ऊपर लिखेंगे और री की मात्रा को नीचे लिखेंगे, री की मात्रा को क्या लिख देंगे बच्चों, नीचे लिख देंगे। और फिर उसके बाद में अब आप बोलेंगे मैम आपने क तो पूरा लिख दिया और री को नीचे नीचे मात्रा लगा दी आपने, तो बच्चों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये र ये स्वर है तो स्वर इसके अंदर जुड़ गया। समझ में आया? सिर्फ ए ही थोड़ा ना जुड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना और मात्राएं भी जुड़ जाएंगी, तो मात्रा लग जाएगी, इसलिए यहाँ पे क पूरा हुआ और री की नीचे मात्रा लग गई। समझ में आया? अब आगे देखिए प है, प में कौन सी मात्रा लग रही है, आ की मात्रा लग रही है, तो प में हम कौन सी मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, कृपा। क्या बन जाएगा बच्चों, कृपा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे है माँ, मैं में आ की मात्रा लग रही है तो हमने लिखा माँ। अब देखिए यहाँ पे त और र, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे एक और संयुक्ताक्षर था त्र, जो हमारा किसका बन रहा था, त प्लस र प्लस अ से, ये तो हो गया त्र। लेकिन अगर इसके अंदर मैं मात्रा लगा देती हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी त प्लस र प्लस आ क्या बन गया, त्रा। क्या बन गया बच्चों, त्रा। और पूरा शब्द हमारा क्या बन गया, मात्रा। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। अब है आपका स, स में अ जुड़ा तो ये पूरा हो गया, स कंप्लीट। चलिए उसके बाद में व में कौन सी मात्रा जुड़ रही है बच्चों, छोटे ई की। कौन सी मात्रा जुड़ रही है, छोटे ई की, तो व में मैंने छोटे ई की मात्रा लगा दी तो ये हो गया बी। अब उसके बाद में त, तो त में कौन सी मात्रा लग रही है, आ की मात्रा लग रही है, तो त में आ की मात्रा लगी तो ये हो गया सविता। समझ में आया बच्चों? तो आज मैंने आपको पढ़ाया वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, और आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको बिल्कुल वैसे की वैसे ही होमवर्क में अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके लाना है। वर्ण विच्छेद भी बिल्कुल सेम यही और वर्ण संयोजन भी आपको ये के यही करके लाने हैं। आपको जब आपका, आप देखिए डेली आपको प्रॉब्लम हो सकती है बार बार स्कूल आने में, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप वीकली जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो वीकली आप सैटरडे या फ्राइडे कभी भी आके अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।